और ये है दोस्तों होली की बाज़ार लखनऊ की। और यहाँ देख सकते हैं लकड़ी को किस तरह पूजा करके सभी घरों से ला के इकट्ठे करके सभी घर वाले इकट्ठे करके यहाँ पे सजाते हैं। हर एक चौक पे आपको ये देखने को मिलेगा। और कल होलिका दहन है और आज बाज़ार बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से। और चारों तरफ जो फूल माला होती है उससे बाज़ार को सजाया जाता है बहुत सुंदर तरीके से। और आगे एक और चौक पे देख सकते हैं, उससे 10 कदम आगे, तो मतलब हर एक 10 कदम पे आपको होलिका दहन के लिए लकड़ी आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। इसके बाद मैं ये बहुत ही प्यारी छोटे छोटे समोसे का जायका लेता हूँ, जो टेस्ट में बिल्कुल औसम था। और ये भैया देख सकते हैं एक छोटी सी स्टॉल लगा के बाल्टी में बिल्कुल भर के लाते हैं और लाल लाल करके छोटे छोटे समोसे छानते हैं, जिसकी प्राइस होती है 5 रुपये। और उसके बाद मैं पहुंचता हूं पंडित जी नाश्ते वाले के पास, और जिनके पास आपको बड़े बड़े समोसे खाने को मिलेंगे। और इनका अंदाज़ बिल्कुल अनोखा था, और पहले के बेचने का अंदाज़ बहुत ही अनोखा होता है, जिसे देखकर मुझे भी भूख लग जाती है। तो मैं फटाफट पहुंच जाता हूं गोलगप्पे के शॉप पे, और यहाँ पर मैं गोलगप्पे का जायका लेता हूँ। और गोलगप्पे इतने टेस्टी थे कि मैं 2, 3, 4, 6, 8, 10 कप गटक जाता हूँ, पता भी नहीं चलता है। और इसके बाद मैं चलता हूँ सीधा नेत्रराम की गलियों में और वहाँ दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी मैं रात की चमचमाती उजालों के साथ खड़ा हूँ नेत्रराम की गलियों में, और ये जो दुकान है इनकी 150 साल से पुरानी है, ये चलते हैं इनके दुकान की ओर। तो दोस्तों जब हम भैया जी से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो भैया जी ने एक अपने सबसे पुराने कस्टमर से मिलवाया और उन्होंने बताया कि हमसे ज़्यादा ये आपको बताएंगे। अच्छा, मिठाई नमकीन भी देसी शुद्ध घी में, जलेबी के साथ साथ सब देसी शुद्ध घी में बनती है जी। और ये जो एक पारंपरिक मिठाइयाँ या नमकीन है जी, उसके लिए ये शहर की विश्वसनीय दुकानों में से एक मानी जाती है। तो अभी आप क्या किस चीज़ का जायका लेने आए, पैकिंग करवाने या कुछ खाने हैं? थोड़ा सा होली के लिए। अच्छा, ये होली के लिए देख सकते हैं चाचा पूरा बैग भर चुके हैं। तो अगर आप पैकिंग भी करवाना चाहें तो यहाँ पे आके पैकिंग करवा सकते हैं। गुजिया वगैरह है, नमकीन वगैरह है, उन सब का जायका लेने के लिए होली में या किसी भी त्यौहार में यहाँ पे आप आ सकते हैं दुकान पे। दुकान का जायका जरूर ले होली में, क्योंकि जब घी की मिठास अंदर जाती है तब होली का असली रंग बाहर आता है। तो इनके घी का मिठास स्वाद आप किसी भी पर्व में जरूर ले। हम काफ़ी होने की वजह से मुझे भूख बहुत तेज़ लगी होती है, तो इसलिए मैं भैया से एक थाली मंगवाता हूँ जिसमें 4 पूरी रहती है, आलू टमाटर बैंगन की सब्जी होती है और छोले आलू की सब्जी होती है, चटनी होती है और रायता होता है। तो इसे फिनिश करता हूँ और मैं अपने इस होली के ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। और सभी भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी होली।